नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीमेंस पीएलसी का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल पीएलसी सीमेंस का लिया हुआ है S7200 स्मार्ट एंड HMI लिया हुआ है हम लोग ने KTP 400। सीमेंस का मॉडल है इसका, स्क्रीन साइज़ है 4.3 इंच। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने सप्लाई कहाँ पे दिया है। तो सप्लाई हम लोग ने 24 वोल्ट जो दिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियोस में मैंने काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। L और M, तो L में हमारा जाएगा प्लस और M में जाएगा नेगेटिव। साथ में हमारा यहाँ पे PLC में भी सेम वे में हम लोग ने दिया है इनपुट सप्लाई, L पे पॉजिटिव और M पे नेगेटिव हम लोग ने दिया है। 24 वोल्ट DC हम लोग ने यहाँ पे दिया है थ्रू द SMPS। SMPS से हम लोग ने पावर सप्लाई दिया है। SMPS जनरली 230 वोल्ट को कन्वर्ट करके 24 वोल्ट DC करता है। तो हम लोग इसको पावर अप करते हैं, तो आप देख सकते हो हम लोग ने इसको पावर अप किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रन LED PLC के ऊपर दिखाई गई है, वो एग्जैक्टली आप देखोगे तो उसके ऊपर आपको ग्रीन LED रन के ऊपर है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र स्टार्ट एंड सेटिंग्स। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में हम लोग को सेटिंग करना पड़ेगा IP एड्रेस। उसमें हमको जाना पड़ेगा नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस में हम लोग ने IP एड्रेस डाला है 192.168.2.2। तो ये IP एड्रेस हम लोग ने डिसाइड कैसे किया, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि PLC और PC लैपटॉप तीनों का IP एड्रेस की सीरीज सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है, हम सेटिंग किया हुआ है 192.168.2.2, वैसे ही सेम PLC का हम लोग ने लिया है 192.168.2.1, वो PLC का है। वो हम लोग ऑनलाइन जब कम्युनिकेशन करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। वैसे ही PC का जो है हम लोग ने रखा हुआ है 192.168.2.146 समथिंग लिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपको सेम IP एड्रेस की सीरीज़ लेनी पड़ेगी। सबनेट मास्क जो है वो सभी का सेम रहेगा 255.255.255.0। तो ऐसे करके हम लोग IP एड्रेस को पहले सेटिंग करना ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रोग्राम कैसे करना है हमको। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र मोड में HMI का अगर प्रोग्राम डालना है तो ट्रांसफ़र मोड में डालना पड़ेगा। तो सीधा वो ट्रांसफ़र मोड में जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज भी आएगा वेटिंग फॉर द ट्रांसफ़र, और हम लोग करेंगे इसको प्रोफिनेट थ्रू, यानी इथरनेट का एक केबल, RJ45 सॉकेट वाला जो केबल है वो हम लोग लेके, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसा केबल है। इस तरीके का केबल आपको जनरली लगाना पड़ेगा HMI को। सिमिलरली PLC में भी वैसे ही हमको ये केबल लगाना पड़ेगा। दूसरी साइड हमको सेम केबल, हमको यानी दोनों साइड सेम RJ45 कनेक्टर हम लोग लगा के दोनों को PC के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोनों को PC के साथ कम्युनिकेट करने के बाद हम लोग करेंगे PLC और HMI के बीच का कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश करेंगे। ये IP एड्रेस जो हम लोग ने सेट किया हुआ है वो इसके लिए ही किया है, सेम के सभी
पीएलसी और एचएमआई कम्युनिकेट करे एक साथ में, सिमिलरली पीएलसी और पीसी कम्युनिकेट करे और पीसी टू एचएमआई कम्युनिकेट करे। तो ऐसे करके हम लोग को पूरा जो भी है कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन, पहले पीएलसी का कैसे प्रोजेक्ट उसको बनाते हैं और उसको हम लोग इसके ऊपर मीन्स कम्युनिकेट करके उसमें प्रोग्राम डालते हैं। सिमिलरली एचएमआई में भी सेम हम लोग कैसे प्रोग्राम डालते हैं वो हम लोग आइए हम लोग देखते हैं।